हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यू। कैसे हैं आप? या गुड, ओके। सो स्टूडेंट, टुडे विल बी डिस्कस क्लास एट्थ मैथ चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 प्रॉब्लम्स। 6.3 की आज हम प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। क्लियर? ओके, स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां पर कुछ नंबर गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो स्क्वायर रूट की जो वंस डिजिट होगी, वंस मीन जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं स्टूडेंट, जो वंस डिजिट होगी वो क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल क्या हो सकती है। हमें एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये, स्क्वायर रूट हमें नहीं फाइंड करना, केवल हमें फाइंड करना है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। एज ए एग्जाम्पल, 25 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 5 होता है, सिंगल डिजिट होती है, इसी को ये वंस ही है और इसमें टेंस डिजिट तो है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पूछा है कि आपको इसका आंसर नहीं बताना है, आपको केवल ये बताना है कि जो आंसर आपको मिलेगा, स्क्वायर रूट जो आप फाइंड होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, वंस डिजिट क्या होगी। एज ए एग्जाम्पल एक और देखें आप, 144, देन 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट, 12 में दो आपके डिजिट होती हैं, एक वंस और एक टेंस होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आंसर होगा उसकी पॉसिबल वंस डिजिट फाइंड करिए। हमको आंसर 12 पूरा कंप्लीट नहीं देना, केवल हमें उसकी वंस डिजिट को बताना है, मतलब 144 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो जो डिजिट आएगी वंस डिजिट वो 2 होगी। ठीक है, हमें कंप्लीट 12 स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना। तो इसके लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है यहाँ पे, हम नहीं करेंगे कोई मैथ स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, सिर्फ के ओनली वंस डिजिट ही बताएंगे। तो कैसे बताते हैं देखिए, 9801, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, इसकी वंस डिजिट क्या पॉसिबल हो सकती है। तो आप वंस को ही लें और इसमें ही आप ऑब्जर्व करें कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर वन आएगा। तो देखिए, वन का स्क्वायर कीजिए, वन ही आता है। अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं देन 81, तब भी देखिए लास्ट डिजिट वन ही मिलेगी आपको। तो अगर वन का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें वन मिलता है, 9 का स्क्वायर करने पर भी लास्ट डिजिट जिसको हम वंस डिजिट या यूनिट डिजिट कहते हैं तब भी वन मिलती है। तो पॉसिबल डिजिट क्या हैं स्क्वायर रूट की, 9801 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके स्क्वायर रूट की जो पॉसिबल डिजिट होंगी, वंस पॉसिबल डिजिट होंगी 1 और 9। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9801 पॉसिबल डिजिट कैन बी पॉसिबल डिजिट्स पॉसिबल कैन बी पॉसिबल वंस डिजिट 1 और 9। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9801 कैन बी पॉसिबल वंस डिजिट 1 और 9। सेम इसी टाइप से स्टूडेंट, 99856 सेकेंड देखें आप, 99856 इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो पॉसिबल वंस डिजिट देखिए 6 का मिलता है हमें, 4 का होल स्क्वायर करने पर 16, देखिए 6 मिला वंस पोजीशन पर, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी 36, 6 मिला हमें लास्ट में,
So possible ones digit possible ones digit are 4 and 6. Okay, clear? I am right? Yes. चलें next question पर आते हैं student. Question number 2. Second question में देखिए student. 6.3. Without doing any calculation, find the number which are surely not perfect square. Some numbers are given there here. 153, 257. First 153. Second 257. Third 408 and fourth 441. So student, we find the number in which are not perfect square number. हमें इसमें से ये find करना है कि कौन कौन से number perfect square number नहीं हैं. Student, हमने इससे पहले भी एक previous video में डिस्कस किया था कि ए नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इसी रीज़न को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट 153, 257 एंड थर्ड 408, इनके लास्ट में 3, 7 एंड 8 हैं, इसलिए ये तीनों ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे. ए नंबर एंडिंग विद 0, 2, 3, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, सो फर्स्ट 153, 257, 408 आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Find the square root of 100 and 169 by method of 100 and 169. Method of 100 and 169. स्टूडेंट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड करने हैं. बहुत ही इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है स्टूडेंट. देखिए, हम यहाँ पर जो गिवन नंबर हैं इन नंबर्स में कंटिन्यूस ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे और एंड कहाँ पर करेंगे, जब हमारा लास्ट में रिमाइंडर जीरो ना आ जाए. रिमाइंडर जीरो आने पर स्टूडेंट हम काउंट करेंगे स्टेप के, कितने स्टेप के बाद हमें रिमाइंडर जीरो मिला है. जितने स्टेप के बाद रिमाइंडर जीरो आया है वही हमारा स्क्वायर रूट है. देखिए, 100 100 माइनस 1 99 99, में से आप 3 ऑड नंबर माइनस करिए 96 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9
75 माइनस 11 64, क्लियर। इस तरीके से आप इसको क्या करते चलेंगे, जो ऑड नंबर हैं उनको माइनस करते चलेंगे। अब 64 में से माइनस 13, देखिए 11 माइनस किया था, अब 13 माइनस करिए, देन 51 माइनस 15 36 माइनस 17 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट देखिए, लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब आपको देखना है कितने स्टेप के बाद 0 मिला है। तो देखिए, ये देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। आफ्टर 10 स्टेप वी गेट रिमाइंडर 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। क्लियर, दिस इज द आंसर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस। तो 100 का स्क्वायर रूट आपने 10 फाइंड कर लिया है, सेम इसी तरीके से आप 169 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे, या। सो आई होप दैट स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कस किया आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? नो? यस? ओके, थैंक यू वेरी मच।